करते हैं और अब बात कर लेते हैं मिशन यूपी की, जहां चुनाव से पहले अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया और कहा यूपी को योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। जो आज बिजली उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, घरों तक पहुंच रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम किया था। ये सरकार बताए कि ट्रांसमिशन में कितना काम किया है, और जो अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो करना छोड़ें। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और जो किसान अपनी मांग करे तो उसमें टायर चढ़ा देंगे। कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार है, नौजवान को नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेंगे? महंगाई को लेकर के ये दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा, लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे, और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। गांधी परिवार पर बीजेपी के हमलों की भी बौछार जारी है। एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में एक ही परिवार का विकास होता था, लेकिन मोदी राज में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी, वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे, और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया टूट दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे, नारा जो 14 में नारा बन रहा था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, वो जिन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं हुआ, अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं।